Hello friends, how are you? A very good morning to everyone. Just make me sure I am audible. Audible. Good morning. I'm audible. Yes, I'm visible also. मेरे को खुद ही नहीं चल रहा. ओके, थैंक यू वेरी मच. चलो ठीक है, आवाज़ ही ठीक है, बाकी विजिबल तो कोई चक्कर नहीं है. सो वी वुड बी टेकिंग अप द करंट अफेयर्स ऑफ यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे दैट वी वुड बी वी नीड टू डू. एंड यस्टरडे आई टुक अप अ सेशन बेसिकली ऑन हाउ टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटजी इन दैट रिगार्ड Or for 2020 mains and also for 2021 prelims also. इनकी strategy आपको थोड़ा बहुत useful रही होगी जितना भी आपको बताया गया है. Secondly, try to implement their strategy. That is very much essential. उस strategy को implement करने की कोशिश करिए, because formulation of strategy is just one thing, but implementation of strategy is the most important thing that is required. जब एक बार आप कोई स्ट्रेटजी बना तो लेते हो उसको, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ जाती है. तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी, दैट इज व्हाट इज अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट. एंड द टॉपिक्स दैट आई वुड बी टेकिंग अप इन टुडेज क्लास इज बेसिकली, वन इज अबाउट द ब्लैक होल्स दैट इज देयर, सेकेंड इंटरनेशनल बार कोड फॉर Life project that has been started. A very good morning. DNA barcoding and bioscan program. CRISPR-9, the Cas9 and Nobel Prize that has been given in chemistry. Geography, environment or biodiversity se kasturi cotton ek important topic banta hai. And Farm Act, that unwanted constitutional adventurism. These are the topics that we would be covering from 8th of October. और इसके बाद 9th ऑफ अक्टूबर के जो भी टॉपिक्स है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. द फर्स्ट फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट अप विद दिस क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग. बिफोर वी स्टार्ट अप विद द क्लास, कल वाली क्लास जो दो क्लासेस ली थी, बेसिकली आइदर यू आर गोइंग फॉर 2021 और 2022 या इस बार मेन्स के लिए जैसे भी था, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट क्लास विल बी यूजफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स. चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट विल रिमेन द सेम. वो दोनों चीज़ सेम ही रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम. जो भी पढ़ा रहे हैं अगर वो 100% सेम है तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए. वॉट एवर इज़ पॉसिबल फ्रॉम अवर साइड हम करने की कोशिश करेंगे, बट उसका साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है दैट यू शुड ऑल्सो बी फोकसिंग एंड गिविंग योर 100%. आपको भी अपना 100% देना ही पड़ेगा. ताली दो हाथ से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजेगी. इट इज इम्पॉर्टेंट देयरफॉर इन दैट रिगार्ड. क्यों नहीं बन पा रहे, प्लीज आंसर. अनिल कुमार, आपकी बात काफी हद तक सही है. एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, उस एग्जांपल से आपको काफी ज्यादा समझने में यूजफुल रहेगा. हरप्रीत, आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी हैं, देखो करना नहीं करना वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है. सेम इज़ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो. इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी आंसर राइटिंग आपकी अभी से शुरू करवा देंगे. 12 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं. एंड टारगेट क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन उसमें से जो लिखे जाएंगे, नहीं तो उनके जो बच जाएंगे उनके मॉडल आंसर्स, आपको उतने क्वेश्चन आंसर दे देंगे. अगर उतने क्वेश्चन आंसर करके चले जाओगे, वेरी गुड मॉर्निंग
छतरपाल, उतने क्वेश्चन करके चले जाओगे, मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई करवा रहा हो आज अभी तक 1500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन छोड़ो, 500 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन भी कोई करवा रहा हो तो बताओ। देयर इज ऑलवेज अ लैक ऑफ गाइडेंस। सेकेंड थिंग, कोशिश करा करो, चलो जहां से भी पढ़ रहे हो एक्सेट्रा, जो गाइड कर रहे हैं कोशिश करा करो, आई एम गुड अभी, थैंक यू, वहां से जो भी अच्छे पॉइंट्स है वो निकालो। और इंस्टेड ऑफ कि हर चीज को नेगेटिव, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि वहां से पॉजिटिव जो सीखने को मिलता है वो सीखो। और यूपीएससी कंटेक्स्ट में जो पढ़ना चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना। तो इस वजह से प्रैक्टिस नहीं है, गाइडेंस कंपेरेटिवली कमी, पेपर तो सेम ही होता है ना यार, हिंदी का पेपर भी सेम है, इंग्लिश का भी सेम है, कुछ चेंजेस तो हो नहीं सकते। तो इंस्टेड ऑफ कि यूपीएससी को क्रिटिसाइज करना, मैं तो ऐसी बात को मानता हूँ भाई कि सबका अपना अपना ओपिनियन है, इंस्टेड ऑफ यूपीएससी को क्रिटिसाइज करना, कुछ कमियाँ हम अपने भी निकालने की कोशिश करते हैं, हाँ यार मैंने ये नहीं किया, मैंने ये प्रैक्टिस नहीं करी, या मेरे को करवाई नहीं गई, कैसा भी कह सकते हो, ठीक है, तो कुछ अपनी गलती भी है। यूपीएससी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यूपीएससी के पास एक मॉडल आंसर है, पेपर आप हिंदी में लिखो, पेपर आप पंजाबी में लिखो, पेपर आप इंग्लिश में लिखो, मॉडल आंसर तो सेम ही रहेगा। अगर मॉडल आंसर सेम रहेगा तो मार्क्स भी सेम ही रहेंगे। अगर आप लिख कर आए हो तो क्यों नहीं मार्क्स देगा यार वो। यूपीएससी को तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ना है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से या किसी और स्टूडेंट से। और जिस तरीके से हम मूव कर रहे हैं कंट्री में, मेरे को नहीं लगता कि हिंदी के साथ कोई प्रॉब्लम है सरकार को भी यार, कि नहीं। अगर आप लिख कर आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं लिख कर आओगे तो नहीं मिलेंगे यार, सिंपल एज दैट। समझ आ गया अनिल? तो अगर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। मॉडल आंसर है ना यार, एक कंप्यूटराइज सिस्टम की तरह है। चलो ठीक है, वो तो चलो बिल्कुल मान गए, लेकिन प्री में क्यों इतने कम सिलेक्शंस होते हैं उसमें? तो यूपीएससी, चलो ठीक है हम मेंस में कह देंगे, चलो ठीक है यूपीएससी ऐसे करती है, यूपीएससी ऐसे करती है, नहीं लेना चाहती, तो प्री में क्यों नहीं सिलेक्शन होते हैं? तो प्री में तो कम से कम कंप्यूटर से पेपर चेक होंगे ना, तो उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाते? कहीं ना कहीं खुद में कमी है, वो माननी पड़ेगी। और जब तक कमी नहीं मानोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, जब इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो सिलेक्शन भी डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। ऐसे द फर्स्ट पॉइंट दैट वी वुड बी डूइंग इज ऑल अबाउट ब्लैक होल्स। थोड़ा बहुत ब्लैक होल्स के कंटेक्स्ट में हम पहले भी एक पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पे जो भी इसके आसपास घूम रहा है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं निकल पाएगा। द कंसंट्रेशन, द ग्रेविटी इज दैट सो मच हाई दैट नथिंग, नॉट इवन लाइट इज एबल टू कम आउट ऑफ इट। कुछ नहीं है, कुछ उससे बाहर नहीं आता। ब्लैक होल रेफर्स टू अ पॉइंट इन द स्पेस वेयर मैटर इज सो कंप्रेस, इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया मैटर को एज टू क्रिएट अ ग्रेविटी फील्ड, सब कुछ उसकी तरफ ही खींचा आएगा, फ्रॉम इवन विच द लाइट कैन नॉट एस्केप। इस साल व्हाइट ब्लैक होल इज इन न्यूज, इट इज इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट दैट द नोबेल प्राइज विनर मिस्टर गेंजल एंड इसगेज हैज लीडिंग द रिसर्च सिंस 1919, और फोकस कर रहे थे एक मिल्की वे के एक रीजन को, सेजिटेरियस ए, इस रीजन को फोकस कर रहे थे एज अ ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के लिए एक फोटो भी दिखाता हूँ पहले, फिर आगे मूव करते हैं। दिस इज ब्लैक होल, एक रीजन है जहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा और इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी इस रीजन की ताकि कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा, जो भी इसके इर्द गिर्द घूम रहा है सभी इसकी तरफ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हो जाएगा। और एक स्वर लेक ऐसे 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 करके आपको ऐसे ऐसे करके देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ लाइट वहां पे होगी। और जो उसके अंदर चला गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख रहे हो साइडों पे तो लाइट है लेकिन अंदर बिल्कुल ही ब्लैक है, ब्लैक होल, नथिंग, नॉट इवन लाइट इज इन अ पोजीशन टू मूव आउट ऑफ इट। इसी की स्टडी के कंटेक्स्ट में मिल्की वे में सेजिटेरियस ए रीजन है, उस रीजन को स्टडी कर रहे थे जिसके कंटेक्स्ट में इनको ब्लैक होल मिला है। यूजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप
they discovered the extreme heavy invisible object that were there. That is pulling on the surrounding stars. जो भी उसके आसपास stars हैं, उन सबको pull कर रहा है, giving its galaxy और swirl ऐसे घूमने की तरफ से, जैसे कुछ भी घूम रहा होता है, चक्री की तरह उस तरीके से swirl create करता है. Just recall. Royal Swedish Academy of Sciences award the Nobel Prize winner. Basically physics. Nobel Prizes के बारे में आपको पहले भी क्लास में ऑलरेडी बताया जा चुका है, एक्सेप्ट इंडिया से कौन जीते, नोबेल प्राइज़ के बारे में कौन सी कैटेगरी है, कौन देता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी हम दे चुके हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम विद हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. मैंने ऑल कोचिंग की बातें सुनी हैं बट आपकी अरे थैंक यू वेरी मच. ब्लैक होल वॉज क्वाइंड लेटर 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर. तो ये कैसे आएगा मैं एक बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा. ये एक स्टेटमेंट है, या फॉर एग्जांपल तीन चार स्टेटमेंट आ गई. रिसेंटली द प्राइस हैज बीन बॉर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी रिगार्डिंग, या फॉर एग्जांपल ब्लैक होल के कंटेक्स्ट में एक स्टेटमेंट. दूसरी स्टेटमेंट, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल थ्रू यूजिंग हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ये दूसरी स्टेटमेंट हो सकती है, यस या नो आपको डिक्लेयर करना है. तीसरा, द नेम वॉज गिवन बाई अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर. तो तीन स्टेटमेंट में से आपसे वो नॉर्मली पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है. जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमें लगता है यार पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया है. आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन कोचिंग की क्लासेस में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब करंट अफेयर आपको करवा रहे हैं तो वहाँ पे करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है, ताकि उसके आगे पीछे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको दी दी जाए. क्यों? बिकॉज एक स्टेटमेंट ओरिएंटेड एक लाइन आ सकती है, वहाँ से आपको करना पड़ता है. आफ्टर डिकेड्स ऑफ ब्लैक होल्स नोन ओनली अ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट, पहला फिजिकल ब्लैक होल डिस्कवर किया था, स्पॉट किया था 1971 में. याद रखने के लिए इंडिया पाकिस्तान वॉर याद रख सकते हो. 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप वाज देयर इन द कंटेक्स्ट दैट इट फॉल्स थ्रू एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जिसकी वजह से लास्ट ईयर एक ब्लैक होल की इमेज निकल के आई थी. जैसे ये आपको बता, दिस वॉज द इमेज तो 2019 में आई थी. That saw the completely center the center of the Virgo A galaxy that was there. Usme telescope was examining the event horizon. Name kya hai iska? M87. An area jahan se kuch bhi escape nahi kar sakta. Ye pehli baar image 2019 mein aayi. सेजिटेरियस ए कहाँ पे है, जो अभी जिसके कंटेक्स्ट में मिला है प्राइज, इट इज इन देयर इन द मिल्की वे. M87 इवेंट होराइजन इज इन द सेंटर ऑफ द वर्गो ए गैलेक्सी. तो दोनों के दोनों आपको पूछा जा सकता है. मैच द फॉलोइंग में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड और रॉन्गली मैच्ड, डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन बनता है. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट, DNA बारकोडिंग, बायोस्कैन प्रोग्राम एक्सेट्रा. किसी भी चीज़ का बारकोड है. फॉर एग्जांपल आप मार्केट में या मॉल में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो वो स्कैन करके बारकोड बताता है ना, हाँ यार ये प्रोडक्ट चाहे बिस्किट ही क्यों ना लो, चाहे कुछ भी क्यों ना लो. तो आपको ऐसे लाइंस करके वो एक बारकोड सा लिखा हुआ आता है, इसके नीचे नंबर से लगे होते हैं 80257 एक्सेट्रा. सबने देखा होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ बारकोड. मतलब उस प्रोडक्ट का ये बारकोड है कि ये प्रोडक्ट हमारे वहाँ से सेल ऑफ हो चुका है, इतने प्रोडक्ट कम हो गए हैं, इतने प्रोडक्ट अभी बचे हैं. फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो तो बारकोड स्कैन करते हैं. जब बारकोड स्कैन कर लेंगे वो टैग्स आपसे निकाल देते हैं. अगर आप बिना टैग निकाले या कोई भी कोई चोरी करके लेके जा रहा था वहाँ पे, जैसे ही आप शॉप से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो एक टूं टूं की आवाज़ वहाँ पे आने लग जाती है. मतलब कि प्रोडक्ट आपके वहाँ से जा रहा है जिसकी सेल नहीं हुई है. उसको सिंपल देसी भाषा में बोलते हैं बारकोड. पहली बात. दूसरी बात, जब बारकोड की बात करते हैं तो मतलब अगर प्रोडक्ट की बारकोड हो सकती है तो प्लांट्स के बारे में भी हम उनके जेनेटिक ग्रोथ के बारे में पता हो सकता है, या फॉर एग्जांपल एनिमल्स के बारे में, या फॉर एग्जांपल ह्यूमन लाइफ के बारे में पता हो सकता है. इन दैट केस बारकोडिंग बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट. हाँ, क्लास तो है ना चंद्रपाल.
मना किसने किया है? बिकॉज आई अभी मैंने मैसेज चेक नहीं किया है. मना किया किसी ने? क्लास तो रेगुलर है जब तक आपको मैसेज नहीं कन्वे हुआ कि क्लास ऑफ है. नहीं, ऑफ मैसेज कन्वे हुआ तो ऑटोमेटिकली मतलब क्लास है. नहीं, मंडे टू सैटरडे तो रोज क्लास हो रही है, कभी एक्सेप्शनल हो सकता है. ठीक है, अभी नहीं, काफी यही चल रहा है अभी तो. चलो ठीक है, इन दैट केस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. अब बार कोडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी प्लांट के बारे में, किसी एनिमल्स के बारे में एक्सेट्रा स्टडी करने के लिए. बार कोड हैज़ टू बी मेंटेन. उसके लिए नॉट ओनली नेशनल लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बार कोड फॉर लाइफ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. न्यूज़ किसके लिए कंटेक्स्ट में है? एक फॉर एग्जाम्पल DNA को बार कोड, DNA कैन बी ऑफ एनी सेगमेंट दैट कैन बी देयर, उसको हमने बार कोड तैयार करना है. एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा. जब फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रगिस्ट होते हैं, जब ड्रग लेने वाले होते हैं, जब उनको पकड़ के लेके चलते हैं, ले जाते हैं, तो उनकी हेयर्स का सैंपल या बालों का सैंपल लिया जाता है. किसके लिए? ये पता करने के लिए कि आपने कौन सा ड्रग खाया हुआ है. तो मतलब आपके अगर हेयर का सैंपल आपके ड्रग के बारे में बता सकता है कि आपने कौन सा ड्रग लिया हुआ है. जब आपके पूरे जीन्स को पढ़ लिया जाएगा, DNA पढ़ लिया जाएगा, तो आपको फॉर एग्जांपल आपके जो भी पूरे बॉडी के बारे में, जब प्लांट के बारे में, जो भी अगर प्लांट का पढ़ रहे हैं, तो जो जो बीमारियां हैं एंड एवरीथिंग कैन बी नोन. उसी अगर नोन हो सकता है तो उसको क्योर भी किया जा सकता है. इसके कंटेक्स्ट में है बार कोडिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट. नॉट ओनली इसके कंटेक्स्ट में, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक जगह पे कुछ एनिमल्स रह रहे हैं, जब कुछ प्लांट है, कुछ वहाँ पे कोई प्लांट बाहर से आ चुका है और आसपास वाले एनिमल्स को वो ख़त्म कर रहा है. कुछ एनिमल है वो आसपास के एनिमल्स को ख़त्म कर रहा है, मतलब कि बाहर से आ चुका है, उनके यहाँ पे लोकल को इफेक्ट कर रहा है. हम उनकी बार कोडिंग पढ़ सकते हैं, ये एनिमल का जाए, ये प्लांट की बार कोडिंग डिफरेंट है, अगर इसको हटा दिया जाए तो पूरी के पूरे उस रीजन को बचाया जा सकता है. समझ आ रही है अभी तक जो भी पढ़ा रहा हूँ? इसके कंटेक्स्ट में है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली एक MOU साइन किया है. हाँ, इनवेजिव स्पीशीज बिल्कुल हो सकता है. हाँ, वही प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वेरी ट्रू. बेसिकली एक MOU साइन किया विद इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ के कंटेक्स्ट में. कैसे क्या करेंगे? एफर्ट्स इन DNA बार कोडिंग, अ मेथडलॉजी फॉर रैपिडली एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग द स्पीशीज. उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है बाय सीक्वेंस करना है अ पर्टिकुलर जीन रीजन, इस रीजन में कौन से जीन है, एंड कंपेयरिंग द इंडिविजुअल सीक्वेंस और रेफरेंस जो डाटाबेस आपने रखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करने के लिए. DNA बार कोडिंग. अर्थ के पास पर, अर्थ पे 10 से लेके 100 मिलियन स्पीशीज है. But 250 years of morphological branch, a branch of biology, which basically deals with the relationship between the living organisms and their structure. अभी सिर्फ 2 million of them ही अभी पता लगा है. The biological diversity is seriously hampered because of the limited ability of the humans. Humans के पास एक limited ability होती है to recognize, पता लगाना and recall, याद करना morphological variations की कैसे कैसे आपकी context में variations हो रहे हैं. इसके लिए स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए DNA बार कोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है. इफ अ स्पीशी इज डैमेज्ड या इमेच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पहले होता था, तो कंपेरेटिवली जो भी प्लांट के बारे में स्टडी करने के लिए एक्सपीरियंस टेक्सोनॉमिस्ट होते थे, अगर वो एक बार स्पीशीज डैमेज हो गया या इमेच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे बार कोडिंग मुश्किल हो जाता था. लेकिन DNA जब बार कोडिंग जब इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो एक सैंपल आपके पास आ जाएगा अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में. आप इजीली, चाहे आपका एक प्लांट या ट्री जिसकी स्टडी कर रहे हो उसको थोड़ा इफेक्ट भी हो चुका है, ख़राब भी हो चुका है, उसको भी हम दोबारा से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इट सर्व्स टू पर्पस, आइडेंटिफाइंग, हेल्पिंग टैक्सोनॉमिस्ट विद हार्ड टू आइडेंटिफाई स्पीशीज, उसको किया जा सकता है, या इनोवेटिव डिवाइस फॉर नॉन एक्सपर्ट्स लीडिंग टू क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो. नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल बार कोड फॉर लाइफ प्रोजेक्ट? बेसिकली एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
एक सीक्वेंस डाइवर्सिटी इन शॉर्ट के कंटेक्स्ट में हम करेगा. द डीएनए बारकोड्स वुड बी देयर दैट विल बी आइडेंटिफाइंग अनोन स्पीशीज एंड डिस्कवरिंग अ न्यू स्पीशीज. कौन से वहां से ऑलरेडी स्पीशीज जो प्रवेल कर रहे हैं और कौन से नए. फॉर एग्जाम्पल इज द मिशन इज बेसिकली टू हम कैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जोग्राफिकल और टेक्सोनोम अलग अलग ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को, ताकि हमारी एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाए, हमारे पास एक बार कोड आ जाए, ताकि हम प्रोवाइडिंग द कम्युनिटी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेस कि कैसे कैसे इस प्लांट या ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन है. काफी वर्ल्ड की प्रॉब्लम को भी दूर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल फोरेंसिक या कंजर्वेशन, मार्केट प्लेस रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ डिजीज, इकोसिस्टम मॉनिटरिंग पूरे का पूरा किया था, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल के कंटेक्स्ट में, फूड प्रोडक्शन, सेफ्टी, रिसोर्स मैनेजमेंट, कंजर्वेशन रिसर्च, एडुकेशन, रिक्रिएशन, सबके लिए इसको यूज किया जाए. नेक्स्ट इज क्रिस्पर कैस नाइन एंड नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री. पहले बार ऐसा हुआ है कि दो विमेन्स को दे आर बेसिकली बींग द सोल विनर्स ऑफ दिस प्राइज. एमैनुअल कारपेंट्री ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर डोडना ऑफ USA शेयर द नोबल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री ऑफ फॉर केमिस्ट्री बेसिकली फॉर क्रिस्पर. अब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका DNA है, किसी का DNA, और उस DNA में कोई प्रॉब्लम आ गई है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, एंड वो प्रॉब्लम जेनेटिक है, ग्रैंडफादर को है, फादर को है, बच्चे को है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे वो चलती जाएगी. अगर हम उस प्रॉब्लम को जड़ से काट दें तो क्या आगे वाली जनरेशन में आएगी? नहीं आएगी. नॉर्मली जो भी फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है जेनेटिक्स में या जीन्स में, किसी भी कंटेक्स्ट में, अगर उस प्रॉब्लम को कैसे काटेंगे, इट इज यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड क्रिस्पर टेक्निक. अ सर्टन अमाउंट जो वहां पे जीन्स है, ऐसे जीन्स हैं जो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उस जीन को जड़ से. फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, जेनेटिक कई बार चला जाता है फैमिली में बहुत बार, अगर उसको जैसे ही बच्चा हुआ है तो उसके क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से हम उसको यूज करके, जैसे बाद में भी यूज करके, अगर वो DNA से वहां से जहां पे वो प्रॉब्लम कॉजिंग DNA है उसको वहां से काट दिया जाए तो उसको प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ क्रिस्पर टेक्निक. नॉर्मली जो ओरिजिनल टेक्निक है ये जो रिक्वायर्ड है वहां पे तो अटैच होता ही है, लेकिन कभी ना कभी फॉर एग्जाम्पल दिस इज कुछ भी है आपका बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से हम कट कर ही सकते हैं, वहाँ पे हटा सकते हैं उनको, लेकिन ये यहाँ पे भी अटैच हो जाता है जब करते हैं. इन दैट केस न्यू क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हैज बीन देयर कि वो अगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट विल नॉट बी अटैच टू द नियर बाई प्लेसेस, साथ वाले प्लेसेस में वो अटैच नहीं होगा. क्रिस्पर इज बेसिकली अ सिंपल बट पावरफुल जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, आपके जीन्स को एडिट करने जाएंगे. That can be harnessed to, जो उसको modify कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, कोई भी abnormality, कोई भी problem आ रही है किस में, उसको संशोधित किया जा सकता है, कैसे आपके genes के level के ऊपर. CRISPR-9 refers to a technique which some bacterial species use as an antiviral mechanism. Basically एक seizure की, molecular seizure की तरह होता है, कैंची की तरह होता है. That will be cut to cut the DNA at a specific location पे कट कर देगा, जैसे आपको बताया था, and साथ में ही insert a foreign piece of DNA, correct करेगा mutation को and जो disease problem create है. आपका image display को corner में ले जाइए यार, एक second अगर होता हुआ तो देखता हूँ मैं. हाँ जी hello.
यार अब तो सेटिंग हिल जाएगी, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि हो जाए। अगर सेटिंग हिल गई तो फिर मेरे से ठीक नहीं हो पाएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन एडिशन टू बाइंडिंग एन इंटेंडेड टारगेट ऑन डीएनए, उसको एग्जैक्टली बाइंड करने के लिए इट इज इंजीनियर्ड कि वहां पे पोटेंशली बाइंड द डीएनए एट अ मल्टीपल अनइंटेंडेड साइट्स ऑल्सो। और कई बार कैसा होता है, जैसे आपको बताया था, एक पर्टिकुलर जगह पे तो बाइंड होगा ही होगा, और उसके बाद फिर अनइंटेंडेड साइट्स पे भी वो उसको बाइंड किया जा सकता है। टू बाइंड और द डीएनए ओनली फ्रॉम वेयर द परफेक्ट मैच ऑफ द डीएनए द प्रोटीन इज देयर। इसके कंटेक्स्ट में है न्यू FNCas9 प्रोटीन दैट वुड बी दैट हैज बेसिकली बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम फ्रेंसलेस नोबिकिना, शोइंग दैट कि नेग्लिजिबल बाइंडिंग होगा। जहां पे एग्जिस्ट करता है ओनली वन मैच की टारगेट करके, जहां पे डीएनए है वहीं पे उसको कंपेटिटिवली टारगेट किया जाएगा। लोकेट अ स्पेसिफिक एरिया, उसको कट कर देगा एंड रिप्लेस करेगा। टेक्नोलॉजी रेप्लीकेट्स अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, कि कुछ बैक्टीरिया में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, उसी डिफेंस मैकेनिज्म को ये रेप्लीकेट किया जाता है। कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल हो सकता है, बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर में प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिफॉर्मिटीज़ कुछ आ रही हैं उसको ख़त्म किया जा सकता है, डिज़ाइनर बेबीज़ के कंटेक्स्ट में किया जा सकता है, प्रोटेक्शन ब्रिंगिंग कॉस्मेटिक परफेक्शन को भी हो सकता है। जीन्स ऑफ प्लांट को एडिट किया जा सकता है, इस तरीके से एडिट किया जाएगा ताकि जो पेस्ट है वहाँ पे उसको रोका जा सके, एंड पेस्ट के खिलाफ टॉलरेंस, टेम्परेचर के लिए टॉलरेंस या ड्रॉट के लिए टॉलरेंस कम प्लांट में कंपेटिवली बढ़ाई जा सके। लेकिन कुछ कंसर्न्स है, बेसिकली जब आप जीन्स को ऑल्टर करोगे, फॉर एग्जाम्पल इन 2018 अ चाइनीज रिसर्चर चेंजिन क्रिएटेड एन इंटरनेशनल सेंसेशन, जब उसने क्लेम किया that he altered the genes of a human embryo, जिसकी वजह से the birth of the twin baby girls हुआ है। तो that was the first documented case कि designer babies को बनाने की कोशिश करी जा रही, जैसे कि बच्चे में ये capability हो, ये है ये नहीं है, तो naturally जो growth होगी वो ख़त्म हो जाएगी। designer babies, या for example DNA is removed from the egg of a mother and is implanted to an egg of another woman that would be there, और जिसके कंटेक्स्ट में थ्री पेरेंट बेबी जो बनता है। कस्तूरी कॉटन इज द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड अ लोगो फॉर इंडियन कॉटन दैट हैज बीन लॉन्च्ड। ये ब्रांड लोगो है कस्तूरी कॉटन, दैट इज इंडियाज प्रीमियम कॉटन दैट वुड बी नोन एज कस्तूरी कॉटन। नहीं नहीं अभी उसको अप्रूव नहीं, उसको जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हो चुका है, बट अस डिजाइनर बेबी एंड अदर थिंग्स दीज आर नॉट बीइंग अलाउड। वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th of October। इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए हैं और नेक्स्ट ईयर भी पूछे जा सकते हैं। इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कॉटन एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। लेकिन जब ऑर्गेनिक कॉटन की बात करते हैं तो इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 51% की कंटेक्स्ट में। ग्रोइंग कंडीशन एंड कल्टीवेशन के कंटेक्स्ट में इज अ वाटर थर्स्टी क्रॉप एंड अराउंड 6% ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इज यूज्ड। लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री चाहिए। सोइंग टेम्परेचर आपको चाहिए 25 से 35 डिग्री। हार्वेस्टिंग टेम्परेचर आपको चाहिए 15 से 25 डिग्री। एंड रेनफॉल 55 से लेके 100 मीटर्स तक आपको रेनफॉल चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस बार भी आया है, ऐसा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। गुजरात सबसे ज़्यादा कॉटन होती है, फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड पंजाब, और ये खरीफ क्रॉप है। पीएच सॉल्टी नेचर ऑफ द सॉइल, पीएच सॉइल कितना, ऑफ सॉइल कितना चाहिए, 6 से लेके 8 तक पीएच तक ये टॉलरेट है, चल सकता है। क्रॉप सॉइल कैसा चाहिए, वेल ड्रेन एंड अ फर्टाइल सॉइल इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर सैंडी सेलाइन और वाटर लॉगिंग है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, उस जगह पे कॉटन प्रोडक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज फार्म्स एक्ट, अभी जो रिसेंट है
काफ़ी जगह पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पंजाब हरियाणा और कुछ एरियाज के कंटेक्स्ट में। इन द कंटेक्स्ट जो सरकार अभी 3 बिल लेकर आई है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है इसके, क्योंकि वो सेम ही चल रहा है, एक छोटा सा है। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट सही कर रही है, ऐसा कुछ पहले भी हुआ है, या सही या कुछ गलत है? अगर गलत कर रही है तो इसके पास ऑप्शन क्या है? नॉर्मली जब एग्रीकल्चर के बारे में बात आती है, इट इज़ बीइंग सेड, कहा जाता है कि इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जिसके अगर स्टेट सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट के कंटेक्स्ट में, अगर एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में हम इसको स्टेट सब्जेक्ट मानते हैं, तो स्टेट्स को ही उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए अलाउ होना चाहिए। सेंटर क्यों लॉ बना जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे हमने पहले भी किया था आर्टिकल 254 के कंटेक्स्ट में, जहाँ पे सेंटर और स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सेंटर का लॉ माना जाएगा। अगर स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो भी सेंटर की बात मानी जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर सेंटर ने कोई लॉ पास कर दिया है और स्टेट ने उसके खिलाफ लॉ पास कर दिया है अगेंस्ट दैट, और उस लॉ को प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल गया हो, तो स्टेट का लॉ माना जाएगा। आपको ये बात याद आ गई, यस और नो? अगर सेंट्रल और स्टेट में आपस में प्रॉब्लम है, लॉ कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर प्रेसिडेंट ने स्टेट लॉ को अप्लाई मान चुके हैं, तो उसको क्या होगा कि स्टेट का लॉ चला माना जाएगा। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग, ऐसा नहीं कि पहले बार ये प्रॉब्लम हो रही है। 2014 में राजस्थान ऑल्सो ब्रॉट अबाउट वेरियस अमेंडमेंट्स, एंड उस अमेंडमेंट्स को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया था, और वहां पे स्टेट लॉ ने सेंटर के लॉ को ओवरटेक कर लिया था। चलो अच्छा, इन दैट केस की वहां पे, यहां पे प्रॉब्लम, स्टेट सेंटर ने 3 लॉ पास करे हैं, फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, दीज आर 3 एक्ट्स दैट हैज बीन पास्ड। और कहा जाता है ये एडवेंचरिज्म है। एडवेंचरिज्म शब्द का मतलब वो है कि आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, वो राजनीति में हो सकता है, वो मिलिट्री में हो सकता है, वो फॉरेन अफेयर्स में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इन द एबसेंस, क्यों? वहाँ पे कोई डिफाइंड प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई डिफाइंड लॉज नहीं है। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एंट्री 14 द स्टेट लिस्ट टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर, एंट्री 26 रेफरेंस टू ट्रेड एंड कमर्स विद इन द स्टेट लिस्ट 2 पे है, लिस्ट 2 में एंट्री 27 है प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, एंट्री 28 में क्या है, बेसिकली रेफर्स टू द मार्केट एंड फेयर्स। All of these are basically provisions बनाए गए हैं यहाँ। Interstate marketing is in agriculture हमेशा से ये माना गया था, अगर interstate agriculture के बारे में भी जाने की कोशिश करी जाएगी तो वो उसके लिए law बनाने की responsibility center की नहीं state की है। इसके context में कहा जाता है कि if the parliament has passed a bill, it is comparatively an extraordinary step, जो comparatively गलत हो सकता है। अब सेंटर ने तो पास किया, तो कुछ तो सेंटर ने भी देखा होगा ना पास करने के कंटेक्स्ट में। सेंटर ने एंट्री 33 कॉन्करेंट लिस्ट में इसको उठाया गया, 26 एंड 27 इन द लिस्ट 2 आर लिस्टेड एज सब्जेक्ट्स इन प्रोविजन टू एंट्री 33। कहते हैं अगर आप 26 और 27 को पढ़ रहे हो तो उसको 33 कॉन्करेंट लिस्ट के कंटेक्स्ट में पढ़ो। अब 33 क्या बोलता है? सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री, की कोई भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है उसके कंटेक्स्ट में, फूड स्टफ के कंटेक्स्ट में इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल्स के कंटेक्स्ट में, अगर आपने कुछ भी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैटल फॉडर के कंटेक्स्ट में, रॉ कॉटन के कंटेक्स्ट में, रॉ जूट के कंटेक्स्ट में। यहाँ पे स्टेट बोलता है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई की बात कर रहे हैं, और इसलिए हमारे पास पावर है। अमेंडमेंट्स क्या था? जब इसी मुद्दे को, ऐसा नहीं कि पहले अभी आया है, 1954 में भी आया था, और जब ये मुद्दा आया था, और उसके बाद में भी रेट्रोस्पेक्टिवली उसके बाद भी कई
कई बार क्या हुआ था, जब 1954 में इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी क्या सही है या गलत है, तो वहाँ पे अशोक मेहता ने क्या बोला था, अगर ऐसे करोगे तो आप जो फेडरलिज्म है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो स्टेट की पावर है, उसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। जो उस टाइम पे डर अशोक मेहता ने दिखाया था, वो आज सच बन के बाहर आ रहा है। बिल वॉज पास्ट। जुडिशरी ने क्या बोल रहा था उसके बाद 1954 में, जुडिशरी ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अपहेल्ड द पावर ऑफ द स्टेट। कि अगर इंटरस्टेट मार्केटिंग की बात है, यहाँ पे जुडिशरी का व्यू आता है, अगर इंटरस्टेट मार्केटिंग की बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग की बात है, तो उसके लिए जो पावर है, दैट पावर इज बेसिकली विद द स्टेट एंड नॉट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके 2002 में भी ITC लिमिटेड एक 5 जजमेंट था वर्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी में भी सेम चीज ही दर्शाई गई कि स्टेट मार्केट कमिटी के पास पावर है, अगर वहाँ पे कुछ ट्रेड एंड कमर्स किया जा रहा है तो आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो, फी चार्ज कर सकते हो। दैट वाज व्हाट वाज अगेन द डिसीजन दैट वाज टेकन अप बाय द कोर्ट। तो कहने का क्या मतलब हुआ, इट इज अ प्रेरोगेटिव, ये डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है, इट द डायमेंशन दैट इज देयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर सेंटर ने अभी भी पास किया फॉर्म एक्ट के कंटेक्स्ट में, दैट इज अ पुअर लीगल वैलिडिटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और अपने फेडरलिज्म को वीक करने की कोशिश करी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है द स्टेट वुड कंटिन्यू टू चार्ज द मंडी टैक्सेस फ्रॉम द प्राइवेट मार्केट एनीवेयर इन द नोटिफाइड एरिया रिगार्डलेस की सेंटर बोले कि आपको जो भी करना है। कहां पे नहीं, फॉर दोनों चीज मैं दिखाता हूँ। देखिए ये देखो, इफ द इंट्रास्टेट दैट हैज टू बी इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट तो स्टेट के पास ही पावर है, इंट्रा अगर क्रॉस करके जा रहे हो तो भी वही हो गए, मतलब कि एक से दूसरी स्टेट में कर रहे हो तो विद इन द स्टेट कर रहे हो तो उसके कंटेक्स्ट में नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैप ऑफ वन स्टेट, अब कहीं से भी कर रहे हो इंट्रा स्टेट, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे पास पावर होगी। नाउ इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। नाउ अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे आपको आर्टिकल 254 के कंटेक्स्ट में दैट ऑप्शन क्या, स्टेट के कंटेक्स्ट में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं 254 कहाँ पे है। इसके कंटेक्स्ट में राजस्थान पहले ही कर चुका है, सेंट्रल लेबर लॉज के, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के बारे में कर सकते हैं। पंजाब ने आपको ये भी पहले ही बताया जा चुका है, पहले वाले आर्टिकल में भी हमने किया था, वहाँ पे क्या था कि पूरी की पूरी स्टेट मार्केट को ही हम मंडी डिक्लेयर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पावर वो खत्म हो जाएगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो 9 अक्टूबर में कुछ न्यूज़ थी, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है अक्टूबर नवंबर के कंटेक्स्ट में, जब साइक्लोन्स आने के कंडीशन थोड़े से बन जाते हैं, और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर के टाइप क्या होता है कि हम स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। पहला था प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब टू द पॉइंट, स्टीक खेती, एक जहाँ पे जरूरत है जितना जरूरत है आप फर्टिलाइजर डालोगे, जहाँ पे जितना जरूरत है उतना पानी डालोगे, उतनी खाद डालोगे, ताकि आपकी प्रोडक्शन कंपेरेटिवली बढ़ जाए और आपकी इनपुट जो लगा रहे हो वो कंपेरेटिवली कम हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रिप इरिगेशन होता है, उसी कंटेक्स्ट में प्रिसीजन मतलब टू द पॉइंट, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे। प्रिसीजन फार्मिंग इज एन अप्रोच वेयर इनपुट्स आर यूटिलाइज्ड इन अ प्रिसाइज अमाउंट, जितना सही अमाउंट पे जरूरत है, टू इंक्रीज द एवरेज यील्ड कंपेयर टू ट्रेडिशनल। ये और भी ज्यादा जरूरत है, इन इंडिया वन मेजर प्रॉब्लम इज स्मॉल फील्ड साइज, 58% जो ऑपरेशनल होल्डिंग है 1 हेक्टेयर से नीचे है। ओनली इन सर्टन स्टेट्स फॉर एग्जाम्पल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात डू मोर देन 20% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ से 5 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर से ज़्यादा है, बाकी तो कमी है। प्रिसीजन फार्मिंग किसके लिए की जाती है, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सॉइल डिग्रेडेशन बचाने के लिए, रिडक्शन ऑफ द केमिकल एप्लीकेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, ये आपको मेंस का क्वेश्चन बनता है। एफिशिएंट यूज ऑफ द वाटर रिसोर्स, फार्म प्रैक्टिसेस को डिसेमिनेट करेंगे ताकि क्वालिटी क्वांटिटी और कॉस्ट कम हो जाए, क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ जाए।
फेवरेबल एटीट्यूड्स डेवलप करेंगे, प्रिसीजन फार्मिंग सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी फार्मर का बढ़ाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हाई कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी हाई लेवल की चाहिए जो लैग करती है, नॉट एप्लीकेबल या कंपेटिवली स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है तो आपके कंटेक्स्ट में मार्केट इनफरफेक्शन होता है, कहाँ पे किसकी डिमांड है तो प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, एनवायरमेंटल डैमेजेस से बचाने के लिए और स्पेशल वेरिएबिलिटी के लिए। ड्रिप इरीगेशन, वाटर सिस्टम जिस तरीके से प्रिसीजन के टू द पॉइंट एक ही जगह पे ड्रिप करेंगे हम। बेस्ट सिस्टम फॉर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के डिलीवरी के लिए, रिड्यूस करेगा प्रोपोगेशन ऑफ द वीड्स ताकि आसपास वीड्स ना हो सकें, एंड द नीड फॉर हर्बिसाइड्स को भी खत्म करने की कोशिश करें। नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्रोजेक्ट क्या है, अब प्रोजेक्ट जिसको असिस्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के कंटेक्स्ट में, क्यों, बिकॉज वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे साइक्लोन्स कोस्टल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने की जरूरत पड़ती है साइक्लोन को ओवरकम करने के लिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, आइडेंटिफाइड 13 साइक्लोन प्रोन स्टेट एंड यूटी, उसको हमने कैटेगराइज किया है कहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है कहाँ पे वल्नरेबिलिटी कम है। हायर वल्नरेबिलिटी है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, लोअर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार में। एक प्रोजेक्ट है जिसको वर्ल्ड बैंक की कंटेक्स्ट में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन दिस रिगार्ड NDM इज ऑल्सो हेल्पिंग द वेब वेस्ट डायनेमिक कॉम्पोजिट रिस्क एट लेस इन कोलेबोरेशन विद IMD एंड स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के कंटेक्स्ट में जो साइक्लोन्स है उसको उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप्स भी लगाई जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल दामिनी किसके लिए है, लाइटनिंग फोरकास्ट के लिए, मौसम एंड उमंग वेदर फोरकास्ट करने के लिए इंक्लूडिंग साइक्लोन वार्निंग को देने के लिए, मेघदूत एक एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी को देने बताने के लिए कि अब एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में कैसे आपको एडवाइस देना है, एंड हमारा साइक्लोन फोरकास्ट के आने की वजह से जो हमारा लॉसेस है वो कंपेरेटिवली कम हो चुका है बिकॉज वी हैव बीन एबल टू नो विद टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक्यूरेसी कि कितना क्या इफेक्ट हो रहा है। साइक्लोन फेलिन, हुडहुड, वर्धा, तितली एंड अलग अलग साइक्लोन जो वहाँ पर आए हैं, बेनिफिट्स कहाँ पे ड्रॉट एरिया वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगी ट्रॉपिक से टेम्परेट रीजन की तरफ से जब साइक्लोन्स आएंगे। लास्ट पॉइंट दैट वी वुड बी डूइंग इज टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स टाइड 2.0। यूनियन मिनिस्ट्री एजुकेशन ने ज्ञान सर्कल वेंचर शुरू किया है किसके लिए, अलग अलग जगह पे जो स्टार्टअप्स हैं टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में उनको प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट द टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली जो कौन से एंटरप्रेन्योरशिप जो काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंगेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ब्लॉकचेन में, साइबर फिजिकल सिस्टम में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इनको प्रमोट किया जाएगा, इनको फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दी जाएगी सो दैट यू आर ट्राइंग टू हेल्प द सोसाइटी इन दैट। 2000 स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है, 7 अलग अलग थीम्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट एंड क्लीन अप एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को देने के लिए हम इसको प्रमोट करें। तो फ्रेंड्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो 8th एंड 9th ऑफ अक्टूबर के न्यूज़पेपर में थी, और जो आज वाली न्यूज़ है वो कल हम मॉर्निंग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड कोशिश करो कि जो प्लान आपको कल दिया गया था उसको स्टिक करने की कोशिश करो, उसको ऐसा नहीं कि प्लान चलो ठीक है इससे बढ़िया प्लानिंग तो मैं बना लेता हूँ या लेती हूँ। मेरे को आपके माइंड के ऊपर कोई डाउट नहीं है कि आप प्लान अच्छा बना लोगे, लेकिन जहाँ पे डाउट आती है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे डाउट आ जाती है। तो कोशिश करो कि अगर वो उस प्लान से चलना चाहते हो तो उससे चलो, अगर उससे कोई और बढ़िया प्लान बना के चलना चाहते हो तो बढ़िया बना के चलो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।